शिवराज सरकार के निर्देशों के बाद प्रदेश में लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के एकतापुरी में करीब 5000 वर्ग फीट की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित भवन में चल रही नकली सीमेंट फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फैक्ट्री में छापा मारा था और यहां से भारी संख्या में नकली सीमेंट की बोरियां पाई गई हैं। सीमेंट और सीमेंट बनाने वाले सामान भी यहां पर बरामद किए गए हैं। यहां से 5 मजदूरों को हिरासत में लेकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि फैक्ट्री बिलाल खां की है, जहां माइसम सीमेंट, वेंडर सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC सीमेंट, बिरला शक्ति सीमेंट, अंबुजा सीमेंट सहित ब्रांडेड कंपनियों की बोरियों में नकली सीमेंट भरकर बेचने का काम किया जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कंपनी मालिक की तलाश शुरू कर दी है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी जिस कड़ी पर थाना प्रभारी और अशोक अग्रवाल थाना प्रभारी एमपी नगर CSP एमपी नगर उनकी टीम भेजी, मौके पर प्राइवेट गोपनीय रूप से उसकी तहकीकात कराई। तहकीकात होने पर रेड की गई तो उसमें अलग अलग कंपनी के ACC माइसेम अल्ट्राटेक और जो जो अलग अलग 4 से 5 तरह की सीमेंट कंपनी है उनके वहां सीमेंट की खाली बोरी मिली है, सीमेंट बनाने वाली मशीन मिली है और अभी मौके पर चूंकि तहकीकात जारी है आज एक